सहारनपुर थाना सदर बाजार पुलिस एफ सर्विलांस की संयुक्त टीम ने फर्जी आईडी के आधार पर धोखाधड़ी कर फाइनेंस पर महंगे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हड़प कर बेचने वाले गिरोह के 5 साथी सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 21 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं जिनकी कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने एक लैपटॉप भी इनके कब्जे से बरामद किया है। इस पूरे मामले पर सहारनपुर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। दरअसल दुकानदारों की तरफ से शिकायती पत्र देकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी जो फर्जी आईडी के आधार पर आसान किस्तों पर महंगे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन खरीद लिया करते थे और इनको आगे सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे। आया था कुछ मोबाइल के शॉप ओनर्स आए थे हमारे पास, उन्होंने एक हमें पूरा जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में उन्होंने सूचना दी थी। स्कैम इस प्रकार हो रहा था कि जो सैमसंग मोबाइल हैं तो वो लोन में अवेलेबल थे। एक DMI कंपनी है जो कि इन फ़ोन्स पे फाइनेंस करके कम डाउन पेमेंट पे EMI के बेसिस पे फ़ोन दे रही थी ओनर्स को। तो उन्होंने स्कैम के बारे में बताया कि कोई ग्रुप है जो फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर ये फाइनेंस करा रहा है। गलत नाम पर, नाम होता था सही लेकिन पता जो होता था और फ़ोटो होती थी गलत होती थी, इस तरह से फाइनेंस करा रहा है। और वो जिन ID कार्ड्स को यूज़ कर रखा है उनके कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि उनकी सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, जिस वजह से उनका डाउन पेमेंट जो है मोबाइल का वो बहुत कम आता है और EMI आती है। तो ये पूरा जो ग्रुप है 4-5 लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं और नाम बदल बदल के वो अलग अलग शॉप पे जा रहे हैं और महंगे महंगे जो सैमसंग के फ़ोन हैं जैसे फ्लिप हो गया, फोल्ड हो गया, ये सब फ़ोन दुकानों से ले रहे हैं। फिर हमने इसको पूरा चेस किया तो पता चला कि कुछ लड़के हैं जो कभी व्हीकल जो फाइनेंस पे होते हैं उसको रिकवरी एजेंट का काम करते थे, बैंकों के लिए काम करते थे। उन्होंने साथ में अपना एक ग्रुप बनाया, इसमें मेन जो अंकित है और उसका जो जीजा है रविंद्र, ये दोनों ने मिलकर एक पूरा प्लान बनाया था कि इस तरह से हम आधार कार्ड और पैन कार्ड उन लोगों का लिया करेंगे जिनका सिविल स्कोर अच्छा है। और ऐसे आधार कार्ड पैन कार्ड उनको देता था रोहित अग्रवाल, ये देहरादून का रहने वाला है और ये भी किसी कंपनी के लिए रिकवरी एजेंट का काम करता है। और जो कस्टमर इसके पास आते थे अपना व्हीकल छुड़ाने के लिए जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता था, उनका आधार कार्ड पैन कार्ड ये प्रोवाइड करता था अंकित को। अंकित एक फ़ोटोग्राफ़र जिसका नाम वो भी देहरादून का रहने वाला है जिसका नाम भी अंकित है, उसके द्वारा वो उसमें फ़ोटोशॉप करवाता था, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से फ़ोटोशॉप करवाता था, ID में टेम्परिंग करवाता था। और फिर ये IDs से ये एक सिम इशू करवाते थे और सिम इशू कराने के बाद ये सैमसंग की किसी दुकान में जाते थे और उसमें ये EMI पे वाले फ़ोन उठा लेते थे। उसके बाद दूसरा इनके सप्लाई में आता था अविश अरोड़ा, ये सेकेंड हैंड मोबाइल का काम करता है देहरादून में, इसको ये मोबाइल प्रोवाइड कर दिया करते थे। ये करीब 30-30 हज़ार रुपये में इनकी डील तय हुआ करती थी। और जो अविश अरोड़ा है वो उमेर जो यहाँ पे रहने वाला लोहानी सराय का अपना ज़िला सहारनपुर का, उसको ये 50 हज़ार रुपये में बेच दिया करता था। जो उमेर है वो आगे इसको 1-1.25 लाख के अराउंड पे ये सारे के सारे मोबाइल सेल आउट कर रहा था। तो इस तरह से हमने पूरा गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें मेन अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं, कुछ अभियुक्त इसमें अभी भी फरार हैं जो अपनी जो खड़े होकर मोबाइल शॉप पर अपने आईडी पर ये मोबाइल लिया करते थे वो भी फरार हैं। टीम लगी हुई है, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी हुई। उमेर की अपनी दुकान है और जब उमेर से पूछताछ की तो इसने बताया कि जो पहला ओनर है मतलब जो फर्जी बंदा खड़ा होकर कर रहा है उसके नाम पर एक बिल बनता था, उसी बिल के बेसिस पे वो आगे भेज दिया करता था, ये बिना बताए कि अगर इस फ़ोन की पहली EMI या दूसरी EMI किस्त टूट जाएगी तो फ़ोन ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। वो सामने वालों को भेज देता था, सोचता था कि उनको पता नहीं चलेगा और इसी में वो फ़ायदा उठा रहा था। अविश पहले सहारनपुर का ही रहने वाला है ओरिजिनली, जो सेकंड हैंड मोबाइल की दुकान चला रहा है देहरादून में, और ये पहले से जब सहारनपुर में रहते थे आपस में इनका सेकंड हैंड मोबाइल दोनों का ही काम यही है। ये होलसेल का काम करता है अविश और ये रिटेलर काम करता है। अन्य स्टेट से सप्लाई की तो बात सामने नहीं आई, लेकिन रुड़की हरिद्वार में भी जैसे हमारे ज़िले में ही देवबंद, सदर बाजार, बिहारीगढ़ और रुड़की हरिद्वार में भी कुछ शॉप्स ऐसी थी जिनके द्वारा उन्होंने वाले मोबाइल फर्जी आईडी पे ली। लैपटॉप पे तो जैसे मैंने आपको बताया वो जो फोटोग्राफर है वो ये सारी की सारी आईडीज को टेम्पर करता था, उसमें फ़ोटोग्राफ चेंज करता था और दूसरा फर्जी एड्रेस डाला करता था। और टोटल 21 मोबाइल हमारे रिकवर हुए हैं, इनकी ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपये की वैल्यू है, तो 30-35 लाख की इनकी अनुमानित कीमत है जितने भी हमारे मोबाइल रिकवर हुए हैं। इसमें से 16 मोबाइल तो वो मोबाइल हैं जो देवबंद और सदर बाजार जो हमारे यहाँ मुकदमे लिखे गए हैं उससे कनेक्टेड हैं, और जो 5 मोबाइल हैं
ये रुड़की और हरिद्वार से भी जो इन्होंने इस तरह से फर्जी आधार का आईडी पर निकाले थे, वो जैसे ही हमारे सामने स्कैम आया था, हमने जितने भी टेलीकॉम ये जितने भी मोबाइल शॉप ओनर्स हैं और इनफैक्ट जो DMI कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लोन पर करा रही है कंपनी, उनसे भी वार्तालाप करी थी। उनको हमने एक फ्लॉ भी बताया था। मेजर फ्लॉ ये था कि जब भी कोई अपना आधार कार्ड लेके जाता है तो उसमें एक फैसिलिटी होती है कि लोन करने से पहले एक नंबर पे OTP आएगा जो उसको कंफर्म करना होगा। तो ये फ्लॉ ये निकला था कि वो कोई भी सिम इशू करा रहे थे उस पर वो OTP मंगा रहे थे, लेकिन जब हमने इनको बताया तो इन्होंने अपने स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंज करके OTP उसी नंबर पर आ रहा है जिससे वो आधार कार्ड लिंक्ड है, इससे चेंज हुआ है और उस वजह से रुकी है ये घटनाएँ रुकी हैं। अभी हमारे 4 ऐसे मोबाइल हैं जो अभी तक हमारे जो हमारी FIR में लिखे हुए हैं लेकिन वो नहीं मिल पाए हैं हमें, तो 4 मोबाइल की हम IMEI ट्रेस कर रहे हैं कि मोबाइल आगे क्या भेज दिए गए हैं, भेज दिए गए हैं तो किसके पास हैं।